उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी बीते लंबे समय से पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ दिनों से उनके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जाने की भी चर्चा है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद और वरुण गांधी की मां मेनका गांधी खामोश हैं। वहीं शुक्रवार मेनका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दरअसल वरुण गांधी के बीते कुछ दिनों से कांग्रेस समेत कई पार्टियों में जाने की अटकलें चल रही हैं। इसी बीच वरुण गांधी की मां और बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने सीएम योगी से मुलाकात की है। इस दौरान मेनका गांधी के साथ सुल्तानपुर के सभी विधायक भी मौजूद रहे। इन लोगों के बीच ये मुलाकात सीएम योगी के आवास कालिदास मार्ग पर हुई है। इस बैठक में मेनका गांधी के साथ बीजेपी विधायक विनोद सिंह, सदर सीट से विधायक राज प्रसाद उपाध्याय, लंबुआ से विधायक सीताराम वर्मा और कादीपुर विधायक राजेश गौतम शामिल थे। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात क्षेत्र के विकास को लेकर हुए हैं। बैठक में मेनका गांधी और तमाम विधायकों ने जिले की एकमात्र किसान और सहकारी चीनी मिल से सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण कराने समेत कई महत्वपूर्ण मांगे रखी। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि बीते कुछ दिनों से सीएम योगी कई मंडलों के सांसद और विधायकों से मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान वे क्षेत्र के विकास कार्यों पर समीक्षा कर रहे हैं, साथ ही चुनावी तैयारियों पर भी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन मेनका गांधी के साथ विधायकों की सीएम योगी से हुई मुलाकात के दौरान सांसद निधि से बन रहे आधुनिक चिकित्सालय में पशु चिकित्सा, गोमती नदी पर पुराने पुल के समानांतर नए पुल, विद्युत शवदाह गृह, ट्रामा सेंटर, बिरसिंहपुर अस्पताल के लिए रेडियोलॉजिस्ट समेत करीब 201 करोड़ की योजनाओं के रूपरेखा पेश की गई है।